खा जाती होगी भाई, किले के किले खा जाती होगी। हाँ, ये देखो भाई, तो दिखाते हैं आपको इसकी परफॉर्मेंस और एक बार बातचीत भी करेंगे इसके बारे में। ये देखो, तो आइए मिलवाते हैं। ये अंकल जी हमारे जिनके खेत में गेहूं निकलने लग रहे हैं भाई, और ये सरदार जी हैं जिनकी कंपेन है। तो आइए अंकल जी से मिलवाते हैं। अंकल जी राम राम, राम राम। कैसे हो? ठीक है भाई। ठीक हो? हाँ। एक बार अपना नाम पता बता दो जी। जयवीर। जयवीर नाम है? दिराणा मजरा। दिराणा मजरा। तो अंकल जी यहाँ इस साइड तो यार गेहूं है, आपने इतनी जल्दी क्यों निकलवा लिए? मौसम की वजह से करवाई थी कि मैं तो है। अच्छा, तो आ रहे हैं ना, उस साइड तो आ रहे हैं यहाँ पे एक दो पेड़ पटाई वजह से। अच्छा अच्छा, ये नहर आ गई, ये दरख्त आ गया, किसान को डर लगता रहता है कहीं बारिश आ जाए कहीं और। हाँ, तो कैसे निकल रहे हैं? क्यों तो हल्के निकल रहे हैं, इनकी बार हल्के हैं, नुकसान है क्यों हमें ज्यादा? अच्छा, तो सरदार जी से मिलवाते हैं भाई। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया जी। अच्छा, तो एक बार अपना नाम पता बता दो जी। नाम कुलविंदर सिंह है जी। अच्छा जी, कहाँ के रहने वाले? जिला संगरूर, पिंड दयालगढ़। अच्छा, तो इतनी दूर आने का क्या रीजन था भाई साहब? रीजन तो यही है बस, सीजन कमाने के लिए। अच्छा, हाँ, दो पैसे के लिए सब आते हैं बस। अच्छा, सीजन लगाने के लिए आते हैं बस। अच्छा, तो जैसे कि आप ये कहाँ चलने लग रही है मशीन आपकी? ये अपनी दिराणे में चल रही है। दिराणे में? हाँ, भिवानी के पास? भिवानी मान लो आप। हाँ, भिवानी। अच्छा, तो कम से कम 250-300 किलोमीटर दूर आए हो आप? हाँ जी हाँ, 200-250 किलोमीटर आए हैं। अच्छा, तो एक दिन में कितने किले निकाल देती है? कुछ बच भी जाता है या फिर ऐसे ही? अभी तो कुछ बचत नहीं है यार, अभी तो बारिश करके ना मंदा चल रहा है। अच्छा, अच्छा, पूरा काम नहीं चल रहा। अच्छा, फसलें नहीं पक रही। फसल नहीं पक रही? नहीं पक रही। हाँ, ये देख लो आप, यहीं पे भी देख। अच्छा अच्छा, दिक्कत है। अच्छा, तो इतनी दूर से आ गए आप? तो 250 किलोमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितना डीजल खर्चा है इसका? कितने एक दिन में कितने किले निकाल देती है ये? तो ये साथ पर साथ चली जाए फिर तो निकाल देती है 30-35 किलो एक दिन में। एक दिन में? अच्छा जी। अगर ये टूटमा काम है उसमें तो क्या एवरेज पाएगी? अच्छा अच्छा, कितने दिन हो गए आप यहाँ पे आए हुए भाई साहब? हमें 19 तारीख के आ रहे हैं। 19 तारीख के? और मशीन चली है आज? मशीन पहले सरसम में चला रखी थी ना। अच्छा, जौम पे चलाई है, सरसम में चलाई है। अच्छा, आगे चला रखी थी लोहारू में। लोहारू से आए हो? पीछे से आए हो आप? अच्छा, कहने का मतलब और भी आगे गए हो आप? तो आगे गए थे राजस्थान साइड। अच्छा अच्छा अच्छा, उधर से आ रहे हैं तो यहाँ पर गेहूँ काटते हैं। अच्छा जी, तो क्या रेट सेट चल रहा है भाई साहब? रेट सेट तो कोई नहीं आया अभी। अच्छा जी, फिर भी कोई तो चल रहा होगा? बार रेट यही चल रहा है 1400-1500। अच्छा हाँ, तो इतनी दूर आते हो कुछ बचता भी या वैसे ही दुखी हो रहे हो भाई साहब? अभी तो डीजल बहुत घना महंगा हो गया यार, पेड़ पाट बहुत महंगा है, लेबर है, तो उसके बाद बचत होगी। अच्छा जी, चलो। तो अंकल जी क्या कहना चाहोगे किसानों को? सरकार चल रहा है, किसान तो फंस रहे हैं बेचारे, किमे तो राम ने फंसा, किमे सरकार ने फंसा दिया, किमे राम ने फंसा दिया है। भाई अच्छा, तो कहाँ कहाँ जाते हो भाई साहब ये मशीन को लेकर के? मशीन तो यही राजा लाहौरू साइड जाती है। अच्छा, यहाँ आ जाती है फिर पठानकोट चली जाएगी। अच्छा, आप जाओगे पठानकोट? हाँ, पठानकोट जाएगी भाई। अच्छा, से काट के फिर जाएंगे। यहाँ तो खर्चा पूरा होगा यार, जाके जो दो पैसे घर में लेके जाने उधर बचेंगे जाके। अच्छा, पठानकोट भी जाएगी अभी? हाँ, जो पठानकोट तो वहाँ पे शायद लेट होती होगी कुछ? हाँ, बहुत लेट चलता है। अच्छा, हम धान का एरिया ना हमारा तो पक्का है, हमारे पक्के कस्टमर है उधर। अच्छा हाँ, रुक जाते हैं। अच्छा, एक दो दिन लेट होगी तो भी रुक जाते। अब कितने दिन और हो यहाँ पे? पूरे रहेंगे कम से कम 10 दिन। 10 दिन और हो? अच्छा, कितने बंदे हो? बंदे आए 3 बंदे रखे हैं, एक जो ड्राइवर है, एक ड्राइवर डब्बे पे आ, एक जो अच्छा कहने वाले 5-6 बंदे हो? 4 बंदे हैं। अच्छा जी जी, ये देखो भाई, ये देखो पीछे भाई है ना, इस साइड किले रह गए, ऊपर से दिखाते हैं भाई आपको। रुकवाओ इसने,
ये देखो बिल्कुल गिल्ला है भाई, ये इसी साइड रह गए भाई पीले, अरे क्यों हो गए शायद भर की हुआ है। तो डीजल एवरेज क्या होती होगी भाई साहब वैसे इसकी? डीजल तो यार टोटल में तो क्या आए थे 7 की दे रही है। अच्छा हाँ, जो कहीं 2 किलो जहाँ का। तो भाइयो ये देखो, ये देखो भाई बताना जरूर मशीन कैसी लगी। और ये भाई 200 250 300 किलोमीटर दूर से आते हैं, ये देख लो भाई 2 पैसे के। तो बताना भाई कैसा परफॉर्मेंस लगी गेहूं? तो इस साइड तो बिल्कुल हरे निकल रहे हैं भाई, गेहूं नहीं दिखाए आपने टैंक? दिखा दिए, अरे हैं निकल रहे हैं बिल्कुल। हाँ जी, कितना टाइम लेगी? कम से कम 20-25 मिनट लग जाते हैं। 20 मिनट लेगी लो, जो इकट्ठे हो ना उसमें पड़ जाती है एवरेज 10-15 12 की भी एवरेज डाली हमने। चलो 8 किले का 10 किले में ना उसमें एवरेज निकलती है, इसमें तो लाले 20-25 मिनट तो लग जाते हैं किले में। 20-25 मिनट, चलो। अच्छा अब ये ताऊ जी तूड़ी बनवाओगे इसकी है? तूड़ी बनवाओगे रिपर से? खुद का ट्रैक्टर है या किराए से बनवाओगे? चलो ठीक है जी, यही था भाई वीडियो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।